पंजाब में हुई घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौन धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ था इस ज्ञापन में, किस वजह से यह सौंपा गया ज्ञापन और क्या कुछ कहा सभी पदाधिकारियों ने, आपको सुनाते हैं। को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री की मान मर्यादा व सुरक्षा को संकट में डाल माया जाल में उलझाकर भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना कई करोड़ भारतीय लोगों के विश्वास पर एक कुठारा घात है। यह न केवल निंदनीय है वरन जांच का विषय भी है। देश की उससे भी ज्यादा आवश्यक दोषियों को सजा देना है। हम संपूर्ण देशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी तक आपके माध्यम से यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि वह ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति हुई इस गंभीर भूल षड्यंत्र की जांच कर खुलासा करना आवश्यक है, ताकि न केवल दोषियों को दंडित किया जावे बल्कि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। समस्त देशवासियों की इस भावना से भारत के माननीय राष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जन्नी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जन्नी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पंजाब सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे पर जो पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में जो चूक की गई है उसको लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि उसकी सही जांच हो और जो भी दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वह पूरे प्रदेश का पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मतलब भारत की प्रभुता और अखंडता में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसी को लेकर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है कि जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उन पर दंडमय कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौरा 5 जनवरी को पंजाब में था, जिसमें वहाँ उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की जानी थी वो सुरक्षा व्यवस्था पंजाब सरकार के द्वारा नहीं की गई। निश्चित ही ऐसा लगता है कि ये पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसको लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि माननीय राष्ट्रपति जी इस विषय की सूक्ष्मता से जाँच करके और जो भी इसमें दोषी है उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यदि पंजाब की कांग्रेस सरकार इसमें दोषी पाई जाती है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा व्यवस्था का विषय है। हमारे देश के गौरव सम्मान्य प्रधानमंत्री जो आज चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो सब जगह हमारे भारत का गौरव और सम्मान बढ़ा रहे हैं, निश्चित ही इनके सम्मान में और इनकी सुरक्षा में जो चूक की गई है उसकी उन्हें उचित कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महात्मा गांधी जी के चित्र के सामने मौन धरना दिया है। जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे पर व्यवधान डाला, वहाँ के पंजाब सरकार के कांग्रेस सरकार के डीजीपी कह रहे कि लाइन क्लियर है और प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, और चंद मिनटों में इतनी गाड़ियां पब्लिक इकट्ठी हो गई, यह तो एक सोची समझी साजिश लगती है। आम पब्लिक भी समझती है जैसे कोई हत्या का प्रयास हो या कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जब डीजीपी लाइन क्लियर कर रहा है, एक प्रदेश का मुखिया पुलिस का मुखिया लाइन क्लियर कर रहा है कि क्लियर है, और उसके बाद इतनी ये अचानक से गाड़ियां आ जाती पब्लिक आ जाती, तो एक छोटी समझी साजिश है। हम भारतीय जनता पार्टी और तमाम जनता इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और कांग्रेस की भर्त्सना करते हैं कि जिस तरह वो रसातल में जा रही है उसकी ये कुंठाग्रस्त मानसिकता है, हम इसकी एक बार फिर पुनः घोर निंदा करते हैं। हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पंजाब के दौरे पर गए हुए थे, जो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जो उनकी अनियमितताएं और सुरक्षा के मामले के ऊपर लेकर के हम लोग सभी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की हरकत ऐसी है कि वो हमारे देश के दो दो प्रधानमंत्री पहले ही खो चुके हैं, जो सुरक्षा की कमी के कारण तो कांग्रेस की यही हरकत रहती है। तो ये जो कमी हुई है इसके सुधार के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो भी इसमें दोषी हो आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो और उन पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए।